अगर आप सुंदरबन विजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। सुंदरबन एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ये जगह काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सुंदरबन का 80% सफर बोट पर होता है एंड सुंदरबन प्रेजेंट है वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा पर, जहाँ रिवर की चौड़ाई आपको 1 किलोमीटर से भी ज्यादा देखने को मिलेगी। सबसे पहले कोलकाता से आपको पहुंचना होगा सोनाखली फेरी घाट, जहां से बोट पर एक्चुअल सफर स्टार्ट होगा। आसानी से आपको ट्रेवल पैकेज मिल जाएगा सुंदरबन के लिए। मैंने ये ट्रिप प्लान किया था ट्रेवल छोटी छोटी के साथ, जिसके ओनर का नाम है समीर सरकार। एंड 2 नाइट 3 डेज के इस ट्रिप में बोट से आना जाना, सब मील्स, स्टे एंड काफी सारी जगह कवर्ड है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी आइटनरी शेयर करने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ कि कैसे आप सुंदरबन ट्रेवल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड से क्या इफेक्ट होता है, साथ ही साथ मैंग्रोव ट्रीज आपको एकदम पास से दिखाऊंगा। इसके अलावा सुंदरबन में एक नैरो क्रीक में भी आपको लेकर चलूंगा, जो कि बहुत खूबसूरत है। और हाँ, आपको दिखाऊंगा लोकल ट्राइबल पीपल की डांस परफॉर्मेंस। सुंदरबन में आप टाइगर्स कहाँ देख सकते हो ये भी आपको पता चल जाएगा ये वीडियो देखकर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये सुंदरबन वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया सोनाखली फेरीघाट से सुंदरबन के बाली आइलैंड तक का सफर, हैमिल्टन बंगलो, बेकन बंगलो, रॉयल बंगाल टाइगर्स को रॉयल क्यों कहा जाता है एंड साथ ही साथ 2 बंकी वॉच टावर भी दिखाया। इसके अलावा ऐसे शख्स से भी मिलवाया जिस पे टाइगर अटैक हुआ था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पूरी आइटनरी के साथ साथ काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब डे 2 चल रहा है एंड फॉरेस्ट ऑफिस से परमिशन लेने के बाद हम लोग पहुंच गए 2 बंकी वॉच टावर। वहाँ हम कुछ देर रुके एंड वहाँ बरसात स्टार्ट हो गई। इसके बाद हम निकल गए नेक्स्ट वॉच टावर के लिए, जो कि है सुदन्याखाली वॉच टावर। रास्ते में बोट पर जा ही रहे होते हैं तभी अचानक से समीर भाई बोट को रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको किनारे पर टाइगर के पंजों के निशान दिखाई देते हैं। ये निशान ज्यादा पुराने नहीं थे, कल रात के ही थे। सुंदरबन के टाइगर्स दूर तक तैर भी लेते हैं। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि टाइगर भी यहाँ दिख जाए। वहाँ हम 4-5 मिनट रुके एंड फिर सफर को जारी रखा, लेकिन हमें नहीं पता था कि थोड़ी देर बाद सुंदरबन हमें एक चीज और दिखाने वाला है। थोड़ा आगे चलते ही हमें वहाँ 2 ओटर दिखाई दिए। ओटर ने सबसे पहले नैरो क्रीक को तैर के क्रॉस किया। बहुत रेयर चांस होते हैं इन ओटर के सुंदरबन में दिखने के। ये दोनों ही मछली की खोज में थे एंड नैरो क्रीक क्रॉस करने के बाद मछली का शिकार कर लिया इनमें से एक ने। दूर से तो इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन समीर भाई ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया था ओटर को मछली का शिकार करते हुए। ये है एग्जैक्ट इमेज उसकी। इसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ने लगे। बोट में अब लंच का टाइम हो गया था तो वहाँ लंच सर्व हुआ। पूरी जर्नी में फूड लिटरली बहुत टेस्टी था एंड टेस्टी के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत पसंद आई सबको। अब यहाँ से हम लोग पहुँच गए सेकंड वॉच टावर पर, जिसका नाम है सुदन्याखाली वॉच टावर। यहाँ अंदर काफी सारे प्लांट्स एंड ट्रीज थे जिनके बारे में डिटेल्स बताई हुई थी। ये ट्री जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसका नाम है सुंदरी, जो कि सुंदरबन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है एंड सुंदरबन का नाम इसी ट्री पर रखा गया है। सुंदरी मैंग्रोव ट्रीज का ही एक टाइप है। थोड़ा आगे चलने पर हमें एग्जैक्ट वॉच टावर दिखाई दिया। ये था उस वॉच टावर के टॉप से व्यू। यहाँ से आपको जंगल का ऑसम नजारा दिखाई देगा एंड यहाँ भी एक मीठे पानी का पॉन्ड बनाया हुआ है, ताकि चांसेस बढ़ जाएं किसी भी एनिमल के दिखने के। इस वॉच टावर के नीचे सुंदरबन का मैप भी लगा हुआ था एंड इसके अलावा सुंदरबन के सब एनिमल की डिटेल्स भी दिखाई हुई थी। इसके बाद हम वापस आ गए बोट में एंड चल पड़े तीसरे वॉच टावर की तरफ। बोट में सफर करने में बहुत सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि हम नेचर को एकदम करीब से एंजॉय कर पा रहे थे। मेरा फेवरेट स्पॉट था बोट के बिल्कुल फ्रंट में, वहाँ बैठ के व्यू एंजॉय करने का अलग ही मजा था। जिस बोट में हम लोग ट्रेवल कर रहे थे वो बहुत कंफर्टेबल थी। 3 वॉशरूम बने थे, इसके अलावा किचन भी बोट में ही थी एंड ये बोट का नीचे वाला सेक्शन है जहाँ आराम करने के लिए बेड भी बने हुए थे। सुंदर नजारों के साथ हम लोग पहुँच गए तीसरे एंड आखिरी वॉच टावर की तरफ। इसका नाम है सजनेखाली वॉच टावर। ये था इसका एंट्री गेट। ये जगह अंदर से काफी ब्यूटीफुल बनी हुई थी। अंदर सबसे पहले हम लोग पहुंच रहे थे वॉच टावर की तरफ, उससे पहले हमें एक क्रोकोडाइल दिखाई दिया। हालांकि साइज में छोटा ही था ये क्रोकोडाइल। इस वाले वॉच टावर के ऊपर मैं नहीं जा पाया, क्योंकि वहाँ कुछ मॉन्कीज आ गए थे एंड मेरा बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए मैं चला गया दूसरी साइड। यहाँ मैंग्रोव ट्रीज का पूरा एरिया बना हुआ था, जहाँ उन ट्रीज को मैं पास से देख पा रहा था। ये देखो इनकी रूट्स, जो कि जमीन से बाहर निकलती है एंड कुछ रूट्स इस टाइप की हैं, एकदम पतली सी। मैंग्रोव ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जो उसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ नदी समुद्र में मिल जाती है। इन ट्रीज को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग एग्जिट हो गए एंड वापस आ गए बोट में, जहाँ स्नैक्स एंड चाय का इंतजाम था। अब आज होटल में यहाँ के लोकल ट्राइबल आर्टिस्ट आने वाले हैं इवनिंग में, तो इसके बाद यहाँ एक मार्केट विजिट करते हुए हम लोग पहुँच गए वापस होटल में। कुछ देर बाद वो लोग आ गए एंड परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई। स्टार्ट तो हुआ कुछ इस तरीके से।
लेकिन धीरे धीरे सब शामिल होने लगे। आप देखो ये रॉ फुटेज। लैंग्वेज समझ में नहीं आई, लेकिन म्यूजिक की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती। मैंने ये पूरा परफॉर्मेंस बहुत एंजॉय किया। एंड उसके बाद डिनर करके हम लोग पास के एक टेंपल में आ गए। लकीली उस दिन एक फेस्टिवल भी था, तो वहाँ का नजारा भी ऑसम था। सब लोग मन से फेस्टिवल मना रहे थे। बस उस पल ऐसा लग रहा था कि यहाँ के कल्चर को एकदम पास से फील कर लिया। एंड इसके बाद हम वापस आ जाते हैं होटल में। अब शुरुआत होती है डे 3 की। एंड आज सुबह से वेदर एकदम फॉगी था। आज हम एक नैरो क्रीक में विजिट करने वाले हैं एक छोटी बोट में। इस एक्सपीरियंस का मैं स्टार्टिंग से वेट कर रहा था। तो सब लोग बोट में आ गए एंड हम बढ़ने लगे उस पॉइंट के लिए। आज सुंदरबन और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था ऐसे मौसम में। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया अपने फेवरेट स्पॉट पर बैठकर। थोड़ी देर बाद हम लोग वहां पहुंच गए जहां से नैरो क्रीक में जाना था। अब हम अपनी मेन बोट से जाने वाले थे दो छोटी बोट्स में। एंड ये एक्सपीरियंस आप भी जरूर करना जब भी आप सुंदरबन जाओ। ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त नैरो क्रीक में पानी हो। जो जगह अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ अभी पानी है क्योंकि हाई टाइड चल रही है, लेकिन 3 से 4 घंटे बाद इस नैरो क्रीक का सारा पानी हट जाएगा लो टाइड की वजह से। ऐसा दिन में 2 बार होता है। एंड ऐसी नैरो क्रीक में किसी एक्सपीरियंस ट्रेवल कंपनी के साथ ही जाना, क्योंकि यहाँ जाना खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन समीर भाई को यहाँ की पूरी नॉलेज है क्योंकि उन्हें 12 साल का एक्सपीरियंस है सुंदरबन का। यहाँ हम ट्रीज के बीच में से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ हमें काफी सारे छोटे छोटे से क्रैब दिखे। बस सबके मन में चल रहा था कि इस टाइम कोई क्रोकोडाइल या टाइगर ना दिख जाए। ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगा। लगभग 1 घंटा इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस पहुंच गए बोट के पास। एंड सब अपनी मेन बोट पर आ गए। एंड वहां से हम लोग वापस पहुंच गए होटल अपना सब सामान लेने के लिए। ये सारा होटल के अंदर का एरिया बना हुआ था, है ना, काफी ब्यूटीफुल। फिर वहां से नारियल पानी पीते हुए हम लोग पहुंच गए बोट में, जहां हमने लंच किया सबने साथ में बैठकर। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे सुंदरबन बहुत खूबसूरत जगह लगी। डेफिनेटली मैं यहां दोबारा जरूर आना चाहूंगा। समीर भाई एक ट्रिप ऐसा भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें ये टाइगर की सर्च में ही लेके जाते हैं। एंड उस ट्रिप में टाइगर डेफिनेटली दिखा भी लाते हैं। जो हमारी ट्रिप थी, इस ट्रिप में टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन ये जगह एक्सप्लोर करके मजा आ गया। ट्रिप एंड होते होते थोड़ा हंसी मजाक भी किया एंड सबका रिव्यू भी लिया कि ओवरऑल ट्रिप कैसा लगा। बस इसके बाद हम लोग वापस पहुंच गए सोनाखली फेरी घाट। एंड वहां से हम वापस पहुंच गए कोलकाता बहुत सारी मेमोरीज लेकर। ट्रेवल छोटी छोटी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोलकाता की येलो टैक्सी को बाय बाय करते हुए फाइनली मैं यहाँ से वापस दिल्ली के लिए निकल गया मॉर्निंग में। हम लोग बहुत एंजॉय किए ड्राइव विद ट्रेवल छोटी छोटी। सबसे बेस्ट खाना, बहुत अच्छा खाना है और ब्लॉकबस्टर। इन लोगों का हॉस्पिटैलिटी है, ये लाजवाब है। जब भी मैं आना चाहूंगा बार बार छोटी छोटी के साथ ही आना चाहूंगा। सिर्फ 3 टाइम ये लोग खाना नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, 6 टाइम्स दे आर प्रोवाइडिंग फूड। और उसके साथ चाय, नाश्ता, हर टाइम पे हॉस्पिटैलिटी। आके आपको पूछना, इट्स लाइक आई वुड से 5 out of 5। व्हेन इट कम्स टू माय एक्सपीरियंस आई वुड से इट्स ऑसम, वंडरफुल। थैंक यू। कुछ हमने ट्राइबल डांस भी देखा, उनके साथ एंजॉय भी किया, हमने एक हिंदी गाना भी गाया हमारे। आई वुड सजेस्ट ट्रैवल टू दिस। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।